राम राम सर। बढ़िया जी। की तरफ से अब स्ट्रेटजी ये है कि राधर दिन पूरे देश को या स्टेट को या जिले को हम बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें, उसकी बजाय जो एरिया जहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा केसेस आते हैं उन पार्ट्स में उनको सील करके बंद करके और वहाँ डोर टू डोर स्क्रीनिंग की जाए, पेशेंट्स को हर एक आदमी के टेस्ट हो, जांच हो, ताकि ये पता चले कि किसमें कोई और पॉजिटिव के लक्षण तो नहीं है, और जो कोई पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेट करें। तो इस सिलसिले में हमने करनाल में सेक्टर 7 और 8 में मिला के लगभग 350-400 केसेज, एक्टिव केसेज आज की डेट में हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाए, जो फार्मेसी शॉप से पैरासीटामोल या बाकी इस तरह की दवाइयां लेते हैं। तो हमें अंदेशा है कि लार्ज स्तर पर जो है इन दोनों जगह पे फैल चुका है। तो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 इन दोनों जगह को हमने आज नाइट से रात को 12 बजे से हम इसको सील कर देंगे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके, और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन इस पे लगा दिया गया है। इस पे किसी भी चीज़ की किसी की भी मूवमेंट जो है वो बाहर अलाउ हम नहीं करेंगे। जो भी इनको दिनचर्या की चीज़ें चाहिए, चाहे राशन है, सब्जी है, फल हैं, दूध हैं, हर चीज़ इनको अंदर अवेलेबल कराएंगे। इस पूरी लॉकडाउन गतिविधि के नोडल ऑफिसर हमारे नगर निगम के कमिश्नर विक्रम जी रहेंगे, और मोबाइल ATMs हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम वहाँ अवेलेबल कराएंगे। हेल्थ टीम कोशिश करेंगे हफ्ते में हर एक घर के हर एक इंडिविजुअल की हम जांच कर लें कि किसी में लक्षण तो नहीं है, जिस जिसको लक्षण है उसका टेस्ट करेंगे। और निश्चित रूप से हम ये लॉकडाउन लगाने से एटलीस्ट इस एरिया से जो बाहर जो लोग जाते थे वो स्प्रेड रोका जा सकेगा, और हमारे नंबर ऑफ केसेज जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी। इस प्रकार से कुछ वही एरियाज भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एक दो दिन में वहाँ भी इस तरह की बंदिश लगाई। देखिए, कल जिला मजिस्ट्रेट करनाल की ओर से ये आदेश दिए गए हैं कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या बाहर 4 से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से इकट्ठे ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसका मुख्य वजह यह है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जो भी SOP है उनका पालन नहीं हो रहा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश दिए गए हैं ताकि लोग अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ ना करें और तभी घरों से बाहर निकलें जब अति आवश्यक हो, और यदि कोई कार्यक्रम किया भी जा रहा है तो वो जिला प्रशासन की अनुमति लेकर किया जाए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ पर सभी SOP का पालन किया जाए।